नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, दिन दहाड़े लूट पार्ट टू। खूबचंद चौंका ही नहीं, उछल भी पड़ा जब उसे इस बात का आभास हुआ कि वह लोग बैंक में डकैती डालने गए हैं। वह ठीक प्रकार से सोच नहीं पाया कि माजरा क्या है। कल इसी बैंक से इन्होंने 5.5 करोड़ नोटों से भरी वैन उड़ाई थी और अब इस बैंक में ही यह लोग डकैती डाल रहे हैं। परंतु इतना तो वह समझ गया था कि मोटी ही रकम होगी, तभी यह लोग बैंक में डाका डाल रहे हैं। उसने अपनी आंखों से नीना पाटेकर, मंगल पांडे और जगमोहन को बैंक से भागते देखा। डालचंद को सफ़ेद वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे देखा। वह उस्मान अली के बारे में सोचने लगा कि वह कहाँ है। फिर देखते ही देखते वैन उसकी निगाहों से ओझल हो गई। खूबचंद के पास कोई वाहन नहीं था जिससे कि वह वैन का पीछा कर पाता। टैक्सी पर इस तरह का पीछा करना भी बेमानी था। बहरहाल उसे वैन की चिंता नहीं थी, वह जानता था कि वैन फार्म पर ही जाएगी। इसके बाद खूबचंद टहलता हुआ बैंक की तरफ बढ़ गया जहां हंगामा समचा था। वहीं पर उसने उस्मान अली और 3 गार्डों की लाशें देखी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। वायरलेस सेट पर वायरलेस सेट खड़कने लगे। सारे शहर में जैसे भूकंप मच गया। अगले 20 मिनटों में ही बैंक के जर्रे जर्रे पर पुलिस ही पुलिस बिखरी पड़ी थी। जब खूबचंद को मालूम हुआ कि डकैती 4 करोड़ रुपए की हुई तो सन रह गया। फिर हिसाब लगाने लगा कि 5.5 कल, 4 आज, यानी कि 9.5 करोड़ कैश रुपया लूट चुके हैं। 9.5 करोड़ के नाम पर ही खूबचंद को खुरक होने लगी थी कि इतनी भारी और बड़ी रकम। अगले 10 मिनट में ही वायरलेस सेटों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई सूचना शहर की हर पुलिस पेट्रोल कार तक पहुंच गई कि बैंक डकैती के मुजरिम डकैती की दौलत के साथ सफ़ेद रंग की नई वैन पर फरार हुए हैं और वैन के दोनों तरफ सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी लिखा हुआ है। इसके साथ ही पुलिस वालों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया कि डकैत अपने साथ मेवाराम नाम के व्यक्ति का अपहरण करके ले गए हैं। डकैतों को पकड़ने की कोशिश में मेवाराम को कोई नुकसान न पहुँचे। ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो सिर्फ डकैतों की सफ़ेद वैन का पीछा किए जाए, उन्हें छेड़ाना जाए। सारे शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों का जाल पिछता चला गया। डालचंद तूफानी गति से वैन को सड़कों पर दौड़ाए जा रहा था। वैन की रफ्तार देखकर वाहनों वाले खुद ही साइड हो जाते थे। अब तक डालचंद एक कार को टक्कर मार चुका था। वह कार उलटकर सड़क के किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई थी। मेवाराम आतंक से जड़ था। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे फंसी हुई थी। वैन की रफ्तार देखकर उसे पूरा पूरा विश्वास हो गया था कि वह जल्द ही उलट जाएगी। खौफ के कारण वह हिल भी नहीं रहा था। एक तरफ देवराज चौहान बैठा था तो दूसरी तरफ डालचंद। देवराज चौहान? डालचंद के होठ सख्ती से भिजे हुए थे। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से डालचंद को देखा। वैन को फार्म पर मत ले जाओ। क्यों? देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती थी। तुझे बताया तो था कि कल शाम वहां मुझे इंस्पेक्टर वानखेड़े मिला था। वह बैंक वैन को तलाश कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि बैंक वैन इन्हीं फार्मों में से किसी फार्म पर है, तो वह आज भी वहीं हो सकता है। बैंक वैन को तलाश करता हुआ वहीं हो सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं? ज़रूरी नहीं है। डालचंद के होठों से गुर्राहट निकली। उसकी निगाहें सड़क और ट्रैफिक पर थी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? बैंक वैन भी हाथ से जाएगी और उसमें मौजूद 5.5 करोड़ भी। साथ ही यह वैन भी हाथ से गई और उसमें पड़ा 4 करोड़ भी। इतना सब कुछ करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। देवराज चौहान के होठ सख्ती से भिंच गए। तभी मेवाराम सूखे कांपते स्वर से कह उठा, भगवान के लिए मुझ पर रहम खाओ, मुझे छोड़ दो, यहीं उतार दो मुझे। मैं? देवराज चौहान का हाथ घूमा और मेवाराम के बूढ़े चेहरे पर जा पड़ा। मेवाराम के होठों से चीख निकली। वह पायदान पर लुढ़कने को हुआ कि देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। मेवाराम का गाल फट गया था, होठों से खून बहने लगा था। अब तो बोला तो? देवराज चौहान मौत के स्वर में गुर्राया, तेरे को गोलियों से भून कर तेरी लाश को चलती वैन से बाहर फेंक दूंगा। मेवाराम सिर से पांव तक सिहर उठा। जिस प्रकार देवराज चौहान ने 3 गार्डों को शूट किया था उससे ही वह समझ चुका था कि यह बहुत खतरनाक इंसान है, इससे रहम की आशा रखना बेकार है। मेवाराम दांत पर दांत जमा कर खामोश हो गया। देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल छोड़ दिए। अब यह मुमकिन नहीं,
देवराज चौहान ने दांत किटकिटाकर कहा, क्या? यही कि वैन को कहीं और ले जाना, या तो पहले ही हमें किसी जगह का इंतजाम। जगह हमारे पास है, डालचंद गुर्राया, तुम्हारा ठिकाना है वह जगह। यहाँ से सिर्फ 2 मिनट का ही रास्ता है, हम वहाँ पर इस 4 करोड़ को ले जा सकते हैं। अभी पुलिस हरकत में नहीं आई है, अगले 10 मिनट तक पुलिस हरकत में आ जाएगी, उससे पहले ही हम वहाँ पर 4 करोड़ को ठिकाने लगा देंगे। इस तरह पुलिस से भी बच जाएंगे और वानखेड़े से भी, वरना वानखेड़े हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, अगर वह फार्म एरिया में हुआ तो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। 2 जगह दौलत पड़ी होगी, फार्म पर 5.5 करोड़, तुम्हारे ठिकाने पर 4 करोड़। अगर कहीं बुरा वक्त आ गया तो कम से कम एक जगह का माल तो सुरक्षित रहेगा। तुम ठीक कह रहे हो, देवराज चौहान ने तुरंत ही फैसला किया। ले चलो वैन को तुम्हारे घर पर, डालचंद की आंखों में चमक उभरी। हाँ, देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी भरी पड़ी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, पुलिस कब तक हरकत में आएगी? डालचंद बोला, 5-7 मिनट तक। अब हेडक्वार्टर से हमारे बारे में, वैन के बारे में सूचना जारी की जा रही होगी। हमें बैंक से निकले 6-7 मिनट हो चुके हैं, घर पर हम कब तक पहुँचेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अगले 3 मिनट तक, डालचंद के दांत भिंचते चले गए। गुड, देवराज चौहान कहर भरे स्वर में कह उठा, तब तक पुलिस से हमारा टकराव नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है। बेशक स्पीड कुछ धीमी कर लो, परंतु डालचंद ने वैन की गति कम नहीं की, वैन जैसे हवा में उड़ रही थी। इंस्पेक्टर वानखेड़े अपने असिस्टेंट सुधीर के साथ फार्म एरिया में 9 बजे ही पहुंच गया था। दोनों पूरी तरह चाक चौबंद थे और काफ़ी देर से घूम रहे थे। सर, सुधीर बोला, हमें यह आइडिया लगाना चाहिए कि बैंक वैन किस फार्म पर हो सकती है। यह आइडिया नहीं लग सकता, वानखेड़े सिगरेट सुलगाकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाता हुआ बोला, 50 फार्म है, क्या मालूम किस फार्म पर बैंक वैन मौजूद हो। सर, इतने फार्मों की खाक छानना बेहद कठिन काम है। मैं भी सोच रहा हूँ कि बैंक वैन के बारे में कैसे मालूम करें कि वह कौन से फार्म पर है। तुम कोई आइडिया सोचो सुधीर। अब मैं क्या बताऊँ सर, इंस्पेक्टर वानखेड़े खामोशी से सड़क के किनारे खड़ा कष्ट लेता हुआ फार्मों पर निगाह जमाए रहा। सामने ही एक कच्चा रास्ता फार्म की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। सुधीर। यस सर, एक आइडिया है। क्या सर? कल शाम को मुझे यही कार रेसर डालचंद मिला था, फार्म पर जाने और आने का यही एक कच्चा रास्ता है, इंस्पेक्टर वानखेड़े विचार भरे स्वर में कहे जा रहा था। अब तक वैन में बंद गार्डो द्वारा हमें देवराज चौहान, जगमोहन, डालचंद, मंगल पांडे, नीना पाटेकर और नटियाल के नामों का पता चला है। इनमें से नटियाल और मंगल पांडे को छोड़कर हम बाकी सबको जानते हैं, सबके चेहरे भी जानते हैं, समझे ना मेरी बात? समझ गया सर, परंतु आप कहना क्या चाहते हैं? सुधीर ने वानखेड़े को देखा। यह लोग फार्म पर हैं तो बाहर आएंगे, बाहर हैं तो फार्म पर आएंगे। समझ गया सर, एकाएक सुधीर की आंखों में तीव्र चमक विद्यमान हो गई। यानी कि हम किसी सुरक्षित जगह पर खड़े होकर इंतजार करें तो बेहतर नतीजा निकल सकता है। देर सवेर में वे लोग यहीं से आते जाते नजर आएंगे, इस तरह हम यह जान सकते हैं कि वह किस फार्म पर जाते हैं, यानी कि बैंक वैन को किस फार्म पर छुपाया गया है हमें मालूम हो सकता है, बिना भाग दौड़ के मालूम हो सकता है। राइट सर, वेरी गुड आइडिया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही है। वह क्या? कल आपने डालचंद को वहां से शहर तक लिफ्ट दी थी, उससे बैंक वैन के बारे में पूछा था, तो क्या वह बात डालचंद ने अपने साथियों को नहीं बताई होगी? अवश्य बताई होगी, परंतु इस मामले में सावधानी बरतने के अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मों पर जाने के लिए एकमात्र यही कच्चा रास्ता है, वानखेड़े ने कहा। बात तो आपकी ठीक है सर, एक बात और भी है। वानखेड़े की बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर फ्लैश होता नंबर देखकर वह समझ गया कि कमिश्नर साहब उससे बात करना चाहते हैं। दूसरे ही पल बात हो गई। वानखेड़े, तुम इस समय कहाँ हो? कमिश्नर साहब का स्वर उभरा। मैं इस समय काम पर हूँ सर। तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त सूचना है वानखेड़े। क्या सर? देवराज चौहान ने कुछ देर पहले ही बैंक में डकैती की है। व्हाट सर? चौंको मत, वास्तव में हैरत की बात है ही। कल 5.5 करोड़ की बैंक वैन रॉबरी की और आज 4 करोड़ की बैंक डकैती कर डाली। जानते हो किस बैंक में डकैती की है उसने? किस बैंक में? उसी बैंक में जिसके अहाते से कल उसने नोटों से भरी वैन उड़ाई थी।
हैरानी के कारण बांध खेड़े के होठों से एक शब्द भी ना निकला। यह कब की बात है सर? आधे घंटे पहले की बात है। जिस वैन पर वे डकैती के बाद फरार हुए हैं उसके दोनों तरफ सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी लिखा हुआ है। अपने साथ वह शहर के करोड़पति मेवाराम को भी ले भागे हैं। ऑल राइट सर, इस समय मैं आपसे बात करना बंद कर रहा हूँ, फिर बात करूँगा। ओके, ओवर एंड ऑल। संबंध विच्छेद होते ही इंस्पेक्टर वानखेड़े ने सुधीर को देखा। सुधीर, हो सकता है डकैती करके वह लोग फार्म की तरफ ही आए। आओ, किसी जगह हमें छिप कर यहाँ निगाह रखनी चाहिए। सुधीर सिर हिलाकर रह गया। आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने सड़क पर एक टैक्सी रुकती देखी। टैक्सी से जगमोहन उतरा और बिल चुकता करके तेजी के साथ कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गया। टैक्सी वापस शहर की ओर रवाना हो गई। यह जगमोहन है, वानखेड़े फुसफुसाया। उसकी आंखों में चमक लहरा उठी। देवराज का खास दोस्त और साथी? हाँ सर, हमें इसका पीछा करना चाहिए। नहीं सुधीर, इन लोगों को अभी जाने कितनी बार इस रास्ते से गुजरना है। फिर हो सकता है वह सफ़ेद वैन भी यहाँ पहुँचने वाली हो, जिसमें 4 करोड़ डालकर थोड़ी देर पहले ही यह लोग भागे हैं। सुधीर सर हिलाकर रह गया। नीना पाटेकर और मंगल पांडे वैन के साथ साथ ही लगभग देवराज चौहान के ठिकाने पर पहुँचे। डालचंद वैन में ही बैठा रहा। देवराज चौहान वैन से नीचे उतर कर उनके करीब पहुँचा। वैन में मौजूद ट्रंकों को मकान के भीतर रखो। हम लोग तो किसी और जगह। शट अप, जो कहा है जल्दी करो। 10 मिनट में ही सारे ट्रंक उतार कर मकान के भीतर रख दिए गए। मेवाराम को भी मकान के भीतर पहुंचा दिया गया। देवराज चौहान डालचंद के पास पहुंचा। दोनों की आंखें मिली। जानता हूं, तो सावधान रहना, डालचंद ने गर्दन हिला दी। वैन को दूर ले जाकर छोड़ देना, फिर बेशक यहाँ या फार्म पर आ जाना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ और बहन का ध्यान रखना। चिंता मत करो, देवराज चौहान ने उसकी बांह थपथपाई। हो सके तो उस स्थिति में मेरा हिस्सा मेरी माँ और बहन को दे देना। कहने के साथ डालचंद ने वैन को आगे बढ़ा दिया। देवराज चौहान वापस मकान में पहुंचा। नीना पाटेकर और मंगल पांडे प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। यहाँ आने का प्रोग्राम कैसे बन गया, नीना पाटेकर ने पूछा। देवराज ने सारी बात बताकर कहा। हो सकता है फार्म एरिया में वानखेड़े मौजूद हो। ऐसी हालत में दौलत के साथ साथ हम भी खतरे में पड़ जाते। अब क्या करना है, मंगल पांडे बोला। तुम दोनों यहीं रहो और इस दौलत की निगरानी करो। मैं फार्म पर जाकर वैन में मौजूद गार्डों से वैन का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता हूँ। कम से कम अब बता दो कि वैन को किस फार्म पर कहाँ छिपा रखा है। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डालचंद कहाँ गया, नीना पाटेकर ने पूछा। वैन को ठिकाने लगाने, उस्मान अली के साथ वास्तव में बुरा हुआ, उसके हिस्से का क्या होगा, मंगल पांडे बोला। सब में बंट जाएगा। फिर नीना पाटेकर खाने का सामान लेने चली गई और देवराज भी बाहर निकल गया। राजा राम की निगाह अखबार पर टिकी हुई थी। वह कल हुई बैंक की वैन रॉबरी की खबर बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। भीमराव खामोशी से हाथ बांधे पास ही खड़ा था। पूरी खबर पढ़ने के बाद अखबार एक तरफ उछालता हुआ राजा राम भीमराव से बोला, खबर यह है कि यह काम देवराज चौहान ने किया है। पट्टा 5.5 करोड़ ले उड़ा। राजा राम साहब, देवराज चौहान हमेशा मोटे हाथी मारता है। हाँ, हर महीने अखबारों में उसका नाम आता है कि देवराज चौहान फला जगह डकैती डालकर मोटा माल ले उड़ा, कभी पकड़ा भी नहीं जाता। इस मामले में उसकी किस्मत तेज है, भीमराव ने कहा। भीमराव, अखबार में एक खास बात और भी है। कौन सी बात? खबर में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो इंसान रॉबरी के पश्चात उस वैन को दौड़ा रहा था वह बहुत ही दक्ष ड्राइवर था। भीमराव प्रश्न भरे निगाहों से राजा राम को देखता रहा। नहीं समझे? अरे भाई, अपना वो डालचंद है ना, कार रेसर, वह भी इस तरह का ड्राइवर है। हो सकता है वही उस वैन को भगा रहा हो। भीमराव के चेहरे पर असहमति के भाव पैदा हो गए। शायद तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आ रहा है भीमराव। बात विश्वास आने के लायक नहीं है, डालचंद ऐसी दिलेरी का काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें समझाता हूँ। आज सुबह डालचंद हमें धोखा देकर पिछले दरवाजे से खिसक गया। तभी मैं समझ गया था कि वह किसी भारी लफड़े में हाथ डाल बैठा है। उसने मेरी भी परवाह नहीं की। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डालचंद को अपने साथ मिलाकर देवराज चौहान ने बैंक वैन रॉबरी की हो? और आज डालचंद इसलिए जल्दी में था क्योंकि उसे कल के माल में से हिस्सा लेने जाना था। भीमराव फिर भी सहमत नहीं हुआ।
राजा राम हंसा, मेरी बात का विश्वास तू तब करेगा जब खुद डालचंद आकर तुझसे कहेगा कि यह काम मैंने किया है। उसकी माँ बहन का क्या हाल है? ठीक है, अड्डे पर कैद रखा हुआ है, ध्यान रखना उसका। मुझे लगता है कि डालचंद से हमें मोटी रकम मिलने वाली है। अब जरा आंखें खुली रख कर कल हुई वैन रॉबरी पर नजर रख, कोई भी खबर हमारे काम की हो सकती है। भीमराव ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर होता चला गया। राजा राम ने पुनः अखबार उठाकर बैंक वैन रॉबरी की खबर पढ़नी शुरू कर दी। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, जगमोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नटियाल फूंस के कमरे के करीब कुर्सी रखे, हाथ में रिवॉल्वर लिए सावधानी से बैठा था। रह रहकर वह चंद कदमों पर बेचैनी से टहलते हुए जगमोहन को भी देख लेता था। यहाँ आओ, नटियाल ने आवाज़ देकर जगमोहन को बुलाया। जगमोहन पास आया और कुर्सी पर बैठ गया। वैन को लेकर परेशान हो कि वह लोग अभी तक क्यों नहीं आए? बात ही परेशानी वाली है, जगमोहन खींच भरे स्वर में बोला। हो सकता है कि पुलिस ने इस बार उन्हें पकड़ लिया हो। आज वाली वैन ऑर्डनरी थी, इस वैन की तरह आम प्रूफ नहीं। जगमोहन ने होठ भींच लिए, उसका चेहरा धधक उठा। जगमोहन, नटियाल ने गंभीर स्वर में कहा, देवनाथ चौहान की तो दूसरी बात है, लेकिन डालचंद कच्चा खिलाड़ी है, पुलिस की सख्ती के कारण अपना मुंह खोल देगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि डालचंद इस जगह के बारे में पुलिस को बता सकता है। जगमोहन के होठ भींच गए। नटियाल ठीक कह रहा था, अगर वह पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए तो फिर पुलिस के सामने डालचंद ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और वह अपना मुंह खोल देगा, और तब पुलिस कभी भी आ सकती है यहाँ। हमें किसी तरह से वैन का दरवाज़ा खुलवाना चाहिए, नटियाल ने कहा। वह वैन का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, जगमोहन गुर्राया। कोशिश करने में क्या हर्ज है, मैं बात करके देखता हूँ। नटियाल की बात पूरी होने से पहले ही जगमोहन वैन के करीब पहुँचा, जोर से वैन की बॉडी को थपथपाया। क्या है? वैन के भीतर से आवाज़ आई। नटियाल भी वैन के करीब आ पहुँचा। क्या हाल है तुम दोनों का, जगमोहन ने सामान्य स्वर में पूछा। तुम लोगों से तो बेहतर ही है, भीतर से कड़वे स्वर में कहा गया। किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं? नहीं। सुनो, जगमोहन संजीदा स्वर में बोला, हम पर विश्वास करके दरवाज़ा खोल दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि तुम लोगों को भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। लूट की दौलत की हमें ज़रूरत नहीं। वैन के नीचे आग लगा दो जगमोहन, तब यह हरामजादे अपने आप बाहर निकल आएंगे, नटियाल ने खतरनाक अंदाज में कहा। तब तो नोट भी जल जाएंगे जिसे हासिल करने के लिए तुम लोग मरे जा रहे हो। यह बहुत ढीठ है, जगमोहन ने नटियाल से कहा। वैन के तले बने छिद्रों से इनको सांस लेने की हवा मिल रही है, नटियाल ने खतरनाक लहजे में कहा। यदि हम उन छिद्रों को बंद कर दें तो दम घुटने पर खुद ही तड़प कर बाहर आएंगे। तुम्हारी कोई तरकीब सफल न हो सकेगी। हमारे पास गने हैं, हम वैन के तले को शूट करके और भी छिद्र बना लेंगे। एक नंबर के हरामजादे हैं साले, जगमोहन ने दांत किटकिटाए। भीतर से हंसी की आवाज़ आई। यह बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम लोग सुरक्षित हो, जगमोहन बोला। हम जल्द ही तुम्हें वैन से बाहर निकाल कर दिखाएंगे। करो, कोशिश करते रहो। जगमोहन और नटियाल वापस कुर्सी पर आकर बैठ गए। 12 बज रहे थे। इंस्पेक्टर वानखेड़े की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी सुधीर बोला, सर वह लोग अभी तक आए नहीं, जबकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से अब वह लोग आएंगे भी नहीं, वानखेड़े ने उसे देखा। क्यों सर? दो कारण हैं, या तो उन्होंने कोई और ठिकाना ढूंढ रखा है, या फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। अब क्या करें सर? कमिश्नर साहब से बात करनी पड़ेगी, शायद उन्हें कोई खबर हो। चंद पलों बाद ही वानखेड़े मोबाइल पर कमिश्नर साहब से बात कर रहा था। सर, उन लोगों के बारे में कोई खबर? हैरत की बात है वानखेड़े, बात कुछ भी समझ नहीं आ रही है। क्या हुआ सर? जिस वैन से वह लोग लूट का माल लेकर भागे थे, वह अचानक ही गायब हो गई। उसके बाद जब नजर आई तो वह खाली थी। उसे चलाने वाले को पुलिस ने पकड़ा, परंतु वह एक पुलिस वाले को शूट करके भाग निकला। पुलिस अभी तक उसके पीछे है, आशा है शायद वह पकड़ा जाए। ओह, इस समय तुम कहाँ हो? सर, इस समय हम उस जगह से थोड़ी ही दूर हैं जहाँ इन लोगों ने कल की गई रॉबरी की बैंक वैन को छिपा रखा है। तुम जानते हो उस स्थान को? यस सर, घंटा भर पहले ही देवराज चौहान का एक खास साथी हमारे सामने से गुजर कर गया है। तो फिर इंतज़ार किस बात का? तुरंत कार्यवाही करो। अभी नहीं सर। क्या मतलब? सर, वहाँ पर देवराज चौहान नहीं है और मैं उसे ही सबसे पहले पकड़ना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा चाहो करो,
कमिश्नर साहब ने कहा, पर यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारा इंतजार उन्हें भागने का मौका न दे दे। आप बेफिक्र रहें सर। ओके। वानखेड़े ने मोबाइल ऑफ किया और फिर सुधीर से बोला, तुम इसी जगह पर डटे रहो, मैं शहर जा रहा हूँ। क्यों सर? मेरे ख्याल से मैं उस जगह को ढूंढ लूँगा जहाँ उन लोगों ने डकैती का माल उतारा होगा। ठीक है सर, मैं शाम तक लौटूंगा। तुम आने जाने वालों पर ही निगाह रखना। अगर खास बात हो तो ट्रांसमीटर पर तुम मुझसे बात कर सकते हो। ऑल राइट सर। वानखेड़े वहाँ से निकला और कुछ दूर छिपाकर रखी अपनी कार में पहुँचा। कार स्टार्ट करके वह सड़क पर लाया और शहर की ओर दौड़ा दिया। सायरन की आवाज़ सुनते ही डालचंद चौंका। उसने बैक मिरर में देखा। पुलिस जीप नज़र आते ही हड़बड़ा उठा, चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। एक्सीलेटर पर उसके पैरों का दबाव खुद ब खुद बढ़ता चला गया। वैन की गति बे इंतहा तेज हो गई। तभी अगले चौराहे पर लाल बत्ती हुई। काफ़ी ट्रैफिक खड़ा था, वैन निकाल ले जाने की गुंजाइश न थी। क्षण भर के लिए उसकी आंखों के सामने पुलिस स्टेशन का दृश्य घूमने लगा, परंतु उसने खुद को संभाला। चाहे जो भी हो, उसे पुलिस के हाथ नहीं पड़ना है। ट्रैफिक के पीछे पहुंचकर उसने एकाएक वैन के ब्रेक मारे। ब्रेक इतने ज़बरदस्त लगे कि रुकते रुकते वैन के पहिए घूमते चले गए। वह उलटते उलटते बची। जब रुकी तो तिरछी होकर रुकी थी। उस पल दरवाज़ा खोलकर डालचंद वैन से कूदा और घबराया सा तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। मस्तिष्क में सिर्फ एक बात ही थी कि उसे पुलिस के हाथ नहीं पड़ना है। उसे अपने पीछे दौड़ते पुलिस के कदमों की आवाज़ आई। दौड़ते दौड़ते उसने गर्दन पीछे घुमाई तो कांप कर रह गया। कठिनता से 20 कदम के फासले पर वह पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे। 5 के हाथ में डंडे थे, एक ने रिवॉल्वर थाम रखी थी। डालचंद समझ गया कि अब उसका बचना संभव नहीं रहा। पीछे भागते 6 पुलिस वालों का आखिर कब तक मुकाबला करता रहेगा? 2-4 मिनट में कोई तो उस तक पहुंचेगा, किसी का हाथ तो उसका गिरेबान थामेगा ही। डालचंद का खून सूखने लगा। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने डकैती जैसे काम में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह काम उसकी औकात से बाहर का काम था। उसे इन कामों से दूर ही रहना चाहिए था। देवराज चौहान जैसे लोग ही इस काम को कर सकते हैं और करके पुलिस से बच सकते हैं। तभी डालचंद के मस्तिष्क में धमाका हुआ। उसे जेब में रिवॉल्वर के पड़े होने का आभास मिला। पलक झपकते कि उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली, उस दृढ़ इरादे के साथ ही कि वह किसी पुलिस वाले के हाथ नहीं पड़ेगा। भागते भागते ही उसने हाथ पीछे करके रिवॉल्वर से फायर कर दिया। तेज धमाका हुआ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि गोली किसे कहाँ लगी। अलबत्ता चीख से उसे मालूम हो गया कि उसकी गोली किसी को लगी अवश्य है, जबकि उसकी गोली एक कांस्टेबल की छाती में लगी थी। वह उसी समय ही पीठ के बल नीचे जा गिरा था। यह जानकर कि सामने भागने वाले के पास रिवॉल्वर है, पुलिस वाले हड़बड़ा उठे थे। इसी कारण उनके भागने की गति कम हुई। भागते हुए सब इंस्पेक्टर ने डालचंद को गोली का निशाना बनाना चाहा कि तभी इत्तफाक से वह करीब की गली में घुसता चला गया था। उसके दौड़ने की गति में कमी नहीं आई थी। इस बात से वह भली भांति वाकिफ था कि एक बार पुलिस के हाथ पड़ गया कि सारी जिंदगी खत्म। पीछे पुलिस वालों को ना पाकर उसने रिवॉल्वर जेब में रख ली थी। यहाँ से उसका घर ज्यादा दूर नहीं था और कोई जगह इस समय उसके लिए नहीं थी। इस वक्त सबसे सुरक्षित जगह उसका घर ही था। वह भागने की गति को धीमा करता जा रहा था। उसने फौरन घर का रुख कर लिया। जब घर कुछ ही दूर रह गया तो उसने दौड़ना छोड़ दिया और सामान्य चाल चलने लगा। वह नहीं चाहता था कि उसे भागते पाकर कोई पहचान वाला उसे शक की निगाहों से देखे। सामान्य चाल चलता हुआ वह घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह भीतर प्रवेश कर गया। माँ और बहन कमला घर पर नहीं थे। डालचंद ने यही सोचा कि वह दोनों दाएं बाएं किसी पड़ोस में गई होंगी। यह तो वह सोच भी नहीं सकता था कि सुबह वह राजा राम को जुल देकर भाग गया था। तभी राजा राम ने उसकी माँ बहन को कैद कर लिया था। दरवाजा बंद करके वह चैन भरी सांस लेने लगा। कुछ ही देर में बाहर हो रही हलचलों से उसे मालूम पड़ा कि इस इलाके को पुलिस अपने घेरे में ले रही है। यानी कि पुलिस को विश्वास है कि डकैती की वैन चलाने वाला इसी इलाके में कहीं छिपा है। अगले 10 मिनट में डालचंद ने नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन लिए थे और चाय बनाकर घूट मारने लगा था। मनी मन वह भगवान का लाख लाख शुक्र मना रहा था कि पुलिस के फंदे में पड़ने से वह बच निकला है। अब उसे बाहर हो रही पुलिस की हरकतों की परवाह नहीं थी।
दालचंद ने चाय समाप्त की और प्याला टेबल पर रखा। तभी उसकी निगाह टेबल पर तह किए हुए कागज पर पड़ी। असमंजसता में घिरे उसने तह किया कागज उठाकर खोला। उसमें चंद शब्द इस प्रकार लिखे हुए थे, तुम्हारी माँ और बहन मेरे पास है, जब भी फुर्सत मिले आकर उन्हें ले जाना, राजा राम। दालचंद कई पलों तक हक्का बक्का रह गया। उसकी माँ बहन गैंगस्टर राजा राम के कब्जे में है। आज सुबह उसने उसका कहना नहीं माना था और उसे धोखा देकर भाग निकला था। इसी खुंदक में राजा राम ने उसकी माँ बहन को उठा लिया था। दालचंद के होंठ भींच गए, चेहरा क्रोध से धधक कर लाल हो गया। अगर उसकी माँ बहन को किसी ने बुरी निगाहों से देखा भी तो वह उसकी आंखें निकाल लेगा, परंतु साथ ही वह जानता था कि राजा राम के सिर के बाल के बराबर भी नहीं है वह। राजा राम जैसे गैंगस्टर का वह चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही इस पत्र के मुताबिक वह राजा राम के अड्डे पर जाकर अपनी माँ बहन को वापस ला सकता है। जाहिर है उसकी माँ बहन को राजा राम ने इसी कारण उठाया होगा कि वह उससे मिलना चाहता हो, चुपचाप खिसक जाने की सजा देना चाहता होगा उसे, हो सकता है उसे गोली से उड़ा दे। राजा राम जैसे इंसान का क्या भरोसा। आखिरकार उसने इस सिलसिले में देवराज चौहान से बात करने का विचार किया। अगर देवराज चौहान चाहे तो उसकी माँ बहन को राजा राम की कैद से वापस ही नहीं ला सकता, बल्कि उसकी अकल भी ठिकाने लगा सकता है। दालचंद क्रोध भरी गंभीरता से बाहर निकला, मेन दरवाजे पर ताला लगाया और आगे बढ़ गया। कई जगह उसे पुलिस वाले नजर आए, जो कि शायद इस इलाके के घर घर की तलाशी लेने का प्रोग्राम बना रहे थे। दालचंद उनके करीब से गुजरता चला गया। नहा धोकर वह कपड़े बदल चुका था। उसके पीछे भागने वाले भी अब उसे पहचान नहीं सकते थे। पुलिस की तरफ से वह निश्चिंत था। क्या है? राजा राम ने भीमराव को देखा। एक बहुत जबरदस्त खबर है राजा राम साहब, भीमराव ने कहा। क्या? फटाफट बोल। आप जिस बैंक वैन रॉबरी का जिक्र कर रहे थे जिसमें 5.5 करोड़ रुपया मौजूद था, उस वैन को कल वजीरचंद प्लेस के नीचे वाले हिस्से में मौजूद बैंक के अहाते से तब उड़ाया गया था जब उसमें नोट भर चुके थे, वह चलने की तैयारी में थी। तो आज उसी बैंक में 4 करोड़ की बैंक डकैती देवराज चौहान ने की है। क्या? राजा राम चौंक कर सीधा हो गया। कल देवराज चौहान ने 5.5 करोड़ पर हाथ मारा और आज 4 करोड़ पर? पट्टे ने 24 घंटों में 9.5 करोड़ पर हाथ मार लिया। अभी खास बात तो आपको बतानी है राजा राम साहब, बोल फटाफट बोल। आज डकैती के बाद सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी की वैन में 4 करोड़ वह लेकर भागे। मालूम हुआ है कि वैन चलाने वाला भी बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर था। वह तूफानी गति से वैन को दौड़ा रहा था, भीमराव ने कहकर चुप्पी साध ली। राजा राम की आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई। आगे बोलेगा या बस है तेरी? मैंने दालचंद की माँ बहन से मालूम किया है। दालचंद कल सुबह जल्दी ही घर से निकल गया था और रात गए देर से वापस लौटा, और आज सुबह ही वह यह कहकर घर से निकला था कि जहाँ उसे नौकरी मिली है वह लोग उसे टूर पर भेज रहे हैं, 20-25 दिन के बाद लौटेगा। राजा राम हंसा और जोर से हंसा वह। अब भी नहीं समझे भीमराव? राजा राम ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। कल देवराज चौहान ने बैंक वैन रॉबरी की, वैन भगाई दालचंद ने, और आज हम वास्तव में कुछ गलत वक्त पर पहुंचे। वह हमारे साथ कैसे चल सकता था? तब वह बैंक डकैती पर जा रहा था। उसने अगर हमें धोखा दिया है तो गलत नहीं दिया। उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। जिस काम की योजना पहले से बनी पड़ी थी उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब यकीन आया मेरी बात का? भीमराव हिचकिचाया, फिर बोला, यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर तेरा दिमाग भी मेरी तरह ही चलता होता तो आज तू राजा राम बना होता, सिर्फ भीमराव ही नहीं होता। कल और आज दोनों दिन वैन को दालचंद ने भगाया था, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। आज जिस तरह दालचंद धोखा देकर घर के पिछले दरवाजे से निकल भागा, उसे मद्देनजर रखते हुए मेरा दावा और भी पक्का हो जाता है। भीमराव सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। 9.5 करोड़! राजा राम कुछ इस तरह खुश हो रहा था जैसे कि सारी दौलत की लूट उसने ही की हो। तुम जरा ये तो सोचो कि 9.5 में से दालचंद का कितना हिस्सा होगा। क्या मतलब? मतलब कि दालचंद के पल्ले कितना पड़ेगा? राजा राम हंसा। वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि इस लूट में कितने आदमी शामिल रहे हैं। 5-7 से ज़्यादा क्या रहे होंगे?
सवा 1.5 करोड़ तो डालचंद को मिलेगा ही। बहुत है, बहुत है। अपनी माँ बहन को वापस पाने के लिए वह 1 करोड़ तो हमें दे ही सकता है, और खामखा का इतना पैसा हमें मिलना हमारे लिए बहुत है। इसमें मैं अपनी स्मगलिंग का दायरा और बढ़ा सकता हूँ। हमें डालचंद के आने का इंतज़ार करना होगा। बंटवारा होने में अभी 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। राजाराम साहब, भीमराव ने धीमे स्वर में कहा, हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। राजाराम जोर से हंस पड़ा। हाँ, शहर की खबरों पर नज़र रख, यह मामला तेरी समझ में नहीं आएगा। भीमराव ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। पट्टा देवराज चौहान बहुत नसीब वाला है, हर बार करोड़ों पर हाथ मारता है। उसके पास अब तक अरबों का माल इकट्ठा हो चुका होगा। राजाराम मुंह बनाकर बड़बड़ा उठा। डालचंद देवराज चौहान के मकान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि देवराज चौहान तो कब का वहां से जा चुका है। यह सुनकर डालचंद के चेहरे पर छाई बेचैनी बढ़ गई। मंगल पांडे एक तरफ कुर्सी पर सिगरेट की कश लेता हुआ उन नोटों से भरे ट्रंकों को देखे जा रहा था। वह ट्रंकों के बीच में मौजूद नोटों की झलक पाने को बेताब था, परंतु इस तरह उन्हें खोलना ठीक नहीं था। उसका तो मन कर रहा था कि इस 4 करोड़ को लेकर खामोशी से वहां से दफा हो जाए, परंतु नीना पाटेकर के वहां होने के कारण वह इस बात का हौसला नहीं कर पा रहा था। पाटेकर के बदले कोई और उसके पास होता तो शायद हो सकता था वह ऐसा कुछ कर गुजरने का हौसला कर बैठता, परंतु नीना पाटेकर जैसी खतरनाक शख्सियत के सामने गड़बड़ कर पाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। नीना पाटेकर ने डालचंद के चेहरे पर छाई व्याकुलता को नोट किया। क्या बात है डालचंद, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नीना पाटेकर उसके करीब पहुंची। राजा राम ने मुसीबत डाल दी है, डालचंद सूखे होठों पर जीप फेर कर बोला। मैंने तुम्हें बताया था कि आज सुबह जब घर से निकला तो राजा राम आ पहुंचा था। वह चाहता था कि मैं उसकी कार ड्राइव करूं। उसे दूसरे शहर में कहीं जल्दी ही पहुंचना था, लेकिन मैं उसे धोखा देकर भाग निकला। नीना पाटेकर ने सिर हिलाया। मैं अभी घर गया था तो वहां से मालूम हुआ कि मेरी माँ बहन को राजा राम उठा ले गया है। नीना पाटेकर चौंकी। डालचंद ने जेब से राजा राम वाला पत्र निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। पाटेकर ने उस पत्र को पढ़ा, चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। करीब ही मंगल पांडे बैठा सब बातें सुन रहा था। उसने एक बार भी बीच में दखल देने की जरूरत न समझी। राजा राम के मामले से वह दूर ही रहना चाहता था। मैं इस बारे में देवराज चौहान से बात करने आया था, डालचंद ने चिंतित लहजे से कहा। देवराज चौहान से भी बात कर लेना, नीना पाटेकर ने गर्दन हिलाई। वह गहरी सोच में थी। राजा राम को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और वह मुझे जानता है। मैं उससे बात करती हूँ, वह तुम्हारा कहना मान जाएगा? मालूम नहीं, यह तो अब बात करने से ही पता चलेगा। तुम यहाँ का मामला संभालो। यहाँ पर क्या संभालना है? इसे संभालना है। नीना पाटेकर ने मंगल पांडे की तरफ उंगली की। यह नोटों से भरे ट्रंक को देखकर कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहा है, और भीतर कमरे में मेवाराम बंद है। मैं 2 घंटों में लौट आऊँगी राजा राम से बात करके। मंगल पांडे ने नीना पाटेकर की इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। डालचंद सिर हिलाकर रह गया। वैन को तुमने कहाँ छोड़ा? वैन के बारे में सब कुछ बताकर डालचंद ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है मेरी गोली से शायद कोई पुलिस वाला मारा गया है। मैं भी क्या करता, वह लोग मेरे करीब आ गए थे कि फायर करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। चिंता मत करो, यह सब तो चलता ही रहता है। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। देवराज चौहान फार्म पर गया है? डालचंद ने एकाएक पूछा। शायद फार्म पर, नीना पाटेकर बाहर निकल आई। डालचंद ने मंगल पांडे को देखा। कोई गड़बड़ करने की चेष्टा मत करना, डालचंद सर्द लहजे में बोला। मैं पहले से ही परेशान हूँ, अगर तुमने जरा भी गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है, मंगल पांडे गहरी सांस लेकर रह गया। बैंक वैन में 2 गार्ड जो बंद थे उनकी उम्र नाम कुछ इस प्रकार थे। एक की उम्र 35 बरस थी, नाम था सीताराम, उत्तर प्रदेश के किसी गांव का था। परिवार के नाम पर उसकी पत्नी लाजवंती थी और एक 3 बरस का लड़का था। सीताराम प्यार से उसे लाजो कहा करता था। दूसरा 55 बरस का था, रिटायर होने वाला था। परिवार में 2 जवान लड़कियां थी जिनकी शादी 3 बरस पहले ही करके उसने फुर्सत पा ली थी। बीवी को स्वर्गवासी हुए बरसों बीत चुके थे। उसका नाम किशनलाल था।
दो घंटों की मेहनत के पश्चात देवराज चौहान ने बैंक वैन में बंद गार्डों के बारे में यह जानकारी हासिल की। उनके घरों का अता पता जाना, क्योंकि किशन लाल के परिवार में अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वह उसके लिए बेकार था। परंतु सीताराम उसके काम का था। वह सीताराम के घर पर पहुंचा। गंदी बस्ती में उसने एक कमरा ले रखा था, जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। दरवाजा खटखटाने पर सीताराम की पत्नी लाजवंती ने ही दरवाजा खोला। उसे देखकर ही देवराज चौहान समझ गया कि यह सीताराम की पत्नी है, क्योंकि रो रोकर उसकी आंखें लाल हो रही थी। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह अभी रोकर हटी है। देवराज चौहान ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। जवाब में लाजवंती ने सिर हिलाया और प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखने लगी। मैं सीताराम का दोस्त हूँ। यह सुनते ही लाजवंती देवराज चौहान को भीतर ले गई। देवराज चौहान पुरानी सी कुर्सी पर बैठा और लाजवंती की तरफ देखकर बोला, सीताराम के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ कि डकैत जिस वैन को ले भागे हैं वह उसी वैन में बंद था। कुछ खबर मिली कि वह किस हाल में है? नहीं, लाजवंती ने भी भीगे स्वर में जवाब दिया, उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। भगवान रक्षा करे वह ठीक हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्या आप जानती हैं कि वह बैंक वैन किसने उड़ाई है? देवराज चौहान ने शांत स्वर से पूछा। हाँ, देवराज चौहान नाम का कोई आदमी है, सुना है बहुत खतरनाक है। भगवान ही जाने वह मेरे आदमी को जिंदा छोड़ेगा भी या नहीं। पुलिस कोशिश तो कर रही है, परंतु मुझे पुलिस का यकीन नहीं। देवराज चौहान का नाम लेते हुए पुलिस वाले भी डर रहे थे, ऐसे में कहां से पकड़ पाएंगे उसे? लाजवंती ने भर्राए स्वर में जवाब दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेकर बोला, मैं देवराज चौहान ही हूँ। तुम आप देवराज चौहान? लाजवंती जोरों से चौंकी। हाँ, देवराज चौहान ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई, तुम्हारा आदमी अब तक तो सही सलामत है, परंतु आने वाले समय के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि वह दूसरे गार्ड के साथ वैन को भीतर से बंद किए बैठा है। हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते, हम वैन को आग लगाने जा रहे हैं। दौलत हाथ बेशक न लगे, परंतु उन लोगों को हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आग लगने पर वह दोनों वैन के भीतर ही जल मरेंगे। अगर दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं तो हम उन्हें गोलियों से भून देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, लाजवंती के होठों से चीख निकली। नहीं करना पड़े, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ, देवराज चौहान की आवाज़ में शक्ति भर आई। तुम्हें एक मौका देता हूँ कि अपने आदमी को समझा लो, उसे कहो कि शराफत से वैन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए, नहीं तो हम वैन को आग लगाने जा रहे हैं। हाँ हाँ, लाजवंती घबराकर कह उठी, आप मुझे एक बार उनके पास ले चलिए, मैं उन्हें समझा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बस उनकी जान मत लीजिएगा। तुम्हारे आदमी की जान लेने से हमें कोई फायदा नहीं है। वैन का दरवाजा ना खोलकर वह हमें मजबूर कर रहे हैं कि मैं कुछ करूं। लगता है उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं उन्हें खोलने को कहूंगी वैन का दरवाजा। लाजवंती की आंखों में आंसू बह निकले। फिर तो आप उनकी जान नहीं लेंगे ना? नहीं। लाजवंती ने बेड पर सोए 3 वर्षीय लड़के को उठाकर कंधे पर डाला। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। दोनों बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने लाजवंती को कार में बिठाया, फिर स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में सुनसान जगह पर कार रोककर देवराज चौहान ने लाजवंती की आंखों पर रुमाल बांधा। यह क्यों? लाजवंती के होठों से निकला। मैं नहीं चाहता कि तुम यह देखो कि मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं। लाजवंती ने आंखों पर रुमाल बंधवाने में कोई एतराज नहीं उठाया। एक बात कहूँ? कुछ देर बाद ही लाजवंती बोली। क्या? पुलिस वाले बता रहे थे कि देवराज चौहान बहुत खतरनाक इंसान है, इस नाम को लेते हुए भी जैसे वह हिचकिचा रहे थे, परंतु आप में तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी। भले लगे हैं आप मुझे, लाजवंती ने एकाएक भोलेपन से कहा। देवराज चौहान अब इस बात का जवाब भी क्या देता। कार ड्राइव करता हुआ वह गहरी सांस लेकर रह गया। इस बात का जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं था कि वह कैसा इंसान है। वानखेड़े पिछले 2 घंटों से वैन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था। जिन जिन रास्तों से वैन गुजरी थी वह उसी रास्ते पर जगह जगह से पूछताछ कर रहा था। एक चौराहे पर मौजूद पनवाड़ी से उसने पैकेट खरीदकर सिगरेट सुलगाई और पैसे देते हुए बोला, क्यों भाई, 10:30-11 बजे के दरमियान यहाँ से कोई सफ़ेद रंग की वैन निकली? उस वैन के बारे में तो मत पूछे साहब,
अभी तक मैं उस वैन के ड्राइवर को गालियां दे रहा हूँ, साला मिल गया तो उसका सिर फोड़ कर रख दूँ, पान वाले ने क्रोध भरे स्वर में कहा। क्यों, ऐसा क्या कर डाला उसने? पूछिए क्या नहीं किया, उस वैन ने यहीं से मोड़ काटना था, उल्लू के पट्टे को मोड़ना भी नहीं आता। मेरी दुकान पर वैन चढ़ते चढ़ते बची, जिंदगी भर की कमाई मेरी यही दुकान है, उस वैन ने मुझे बर्बाद कर देना था, वह तो अच्छा रहा कि मैं बच गया। फिर वह वैन कहाँ गई? यहाँ से सीधी सड़क पर जाने कहाँ गई थी, पनवाड़ी ने मुंह बनाकर कहा। वानखेड़े कार में बैठा और पनवाड़ी की बताई सड़क पर चल पड़ा। कुछ को मालूम भी हो गया था कि उस वैन में बैठे लोग बैंक डकैती करके भाग रहे थे। वानखेड़े ने अगले चौराहे से पूछताछ की, दो तीन दुकानदारों से पूछने पर एक ने वैन के बारे में बताया। साहब, मुझे तो वैन का ड्राइवर पागल लगता था या फिर नशे में था। आम समझदार इंसान इन सड़कों पर इतनी खराब ड्राइविंग नहीं कर सकता था। वैन की इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि उतनी स्पीड तो हाईवे पर ही होती है। तौबा, मुझे तो हैरानी है ट्रैफिक वालों ने उसे पकड़ा क्यों नहीं, उसने अवश्य दो चार को मारा होगा। यहाँ से किस तरफ गई वह वैन? उस सड़क पर मुड़ गई थी, उसने एक सड़क की तरफ इशारा किया। वानखेड़े कार में बैठा पुनः आगे बढ़ गया। वानखेड़े को मन ही मन पूरा विश्वास था कि वह वैन की आखिरी मंजिल तलाश कर लेगा, जल्दी ही तलाश कर लेगा वैन के ठिकाने का आखिरी छोर। उस सड़क पर कुछ आगे जाने पर चौराहे पर मौजूद पनवाड़ी से पूछताछ की। हाँ साहब, उस वैन को कोई सनकी व्यक्ति चला रहा था, पान वाले ने बताया, यहीं से वह मुड़ा था, एक बच्चा नीचे आते आते बचा था। मुझे तो हैरानी है कैसे बच गया वह बच्चा। एकदम नीचे आने को था कि वैन के ड्राइवर ने वैन को कट देकर बच्चे को बचा लिया। वैसे मानना पड़ेगा, कमाल की ड्राइविंग थी वैन चलाने वाले की। यहाँ से किस तरफ गई वैन, वानखेड़े ने पूछा। इधर साहब, वानखेड़े कार में बैठा और पनवाड़ी के बताए रास्ते पर पड़ गया। वैन की तेज रफ्तार ही उसे अपराधियों तक पहुँचाने में सहायक हो रही थी। देवराज चौहान ने स्टीयरिंग घुमाया। कार पक्की सड़क से उतर कर फार्मों की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर उतर कर आगे बढ़ती चली गई। खुला इलाका था, खिड़की से आती ठंडी हवा से उसके सिर के बालों की लटे माथे पर झूल रही थी। वह पैनी निगाहों से आसपास का जायजा ले रहा था कि शायद कहीं वानखेड़े नजर आ जाए, परंतु ऐसा कुछ भी उसे नजर नहीं आया था। उसकी कार आगे बढ़ती चली गई। लाजवंती पिछली सीट पर आंखों पर पट्टी बंधवाए लेटी थी। देवराज चौहान ने ही सीट पर लेट जाने को कहा था ताकि बाहर का कोई आदमी आंखों पर पट्टी देख कर खामखा शक न करे। एक तरफ पेड़ों के झुरमुट में खड़ा सुधीर जाती कार को तब तक देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल नहीं हो गई और पीछे धूल का गुबार नहीं छोड़ गई। सुधीर ने बहुत ही तसल्ली भरे अंदाज से कार ड्राइव करते देवराज चौहान को पहचाना था। देवराज चौहान को देखते ही उसका दिल बल्लियों उछलने लगा था। मोटा शिकार आ पहुंचा था। कार के निगाहों से ओझल होते ही उसने मोबाइल पर वानखेड़े से संपर्क बनाया। हेलो, मैं सुधीर बोल रहा हूँ सर, कोई खबर? यस सर, अभी अभी देवराज चौहान कार पर फार्मों की तरफ गया है, सुधीर ने जोश भरे स्वर में कहा। गुड, वेरी गुड, आँख खुली रख कर अपनी जगह पर डटे रहो। आप आ रहे हैं सर? नहीं, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, कम से कम दो तीन घंटे नहीं आ पाऊँगा। देवराज चौहान का क्या करना है? कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ निगरानी करते रहो, खास बात हो तो मुझे खबर करो, अपना काम निपटा कर मैं आता हूँ। देवराज चौहान तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, कहीं गलती से उसके सामने पड़ कर सारा खेल मत बिगाड़ देना, उसे मैं ही आकर संभालूंगा, चिंता की कोई बात नहीं, वह उस वैन से दूर नहीं जा सकता, कहीं गया तो फिर लौट आएगा। ओके सर, आप दो तीन घंटे तक आ रहे हैं ना? सुधीर ने पूछा। आशा है कि पहुंच जाऊंगा, ओवर एंड ऑल, कहने के साथ ही दूसरी तरफ से वानखेड़े ने संबंध विच्छेद कर दिया। सुधीर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी ठीक की और फार्मों की तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। कोई कार हमारे फार्म की तरफ आ रही है, मोटा नटियाल बड़बड़ा उठा। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर जगमोहन चौंक कर खड़ा हो गया, हाथों में रिवॉल्वर चमक उठी, जबड़े में कसाब आ गया, पल भर में ही कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गया। तुम वैन पर ड्यूटी दो, मैं कार को देखता हूँ, जगमोहन ने भिजे होठों से कहा और रिवॉल्वर थामे आगे बढ़ गया। परंतु कार पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई, वह तो उनकी अपनी कार थी। ठिठक कर वह पास आती कार को देखने लगा। कार फार्म के मुख्य गेट के पास रुकी, दरवाजा खोलकर देवराज चौहान नीचे उतरा।
लकड़ी का फाटक खोलकर पुनः कार में जा बैठा। देवराज चौहान को देखते ही जगमोहन का चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। कार उसके पास आकर रुकी। तुम ठीक हो? जगमोहन फौरन कार के पास पहुंचकर बोला। क्यों? देवराज चौहान कार से बाहर निकलते हुए बोला, मुझे क्या होना है? वैन के साथ तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो मैंने सोचा पुलिस ने तुम लोगों को घेर लिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। दरअसल बैंक से निकलने के पश्चात हमने 4 करोड़ को यहाँ लाने का इरादा बदल दिया था। वानखेड़े का डर था हमें। फिर कहाँ रखा पैसा? अपने ठिकाने पर। ओह, तुम? तभी जगमोहन को कार की पिछली सीट पर हल्की सी महसूस हुई तो कहते कहते वह रुक गया। पीछे वाली सीट पर उसे 28-30 बरस की युवती दिखाई दी, जिसकी मांग में सिंदूर चमक रहा था। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। गोद में 3 बरस का बच्चा था। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। यह वैन में मौजूद गार्ड की बीवी है, देवराज चौहान ने कहा। जवाब में जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। पल भर में ही वह समझ गया कि देवराज चौहान कौन सा खेल खेलने जा रहा है। अब तुम आंखों पर बंधे रुमाल को खोल सकती हो, देवराज चौहान ने लाजवंती से कहा। लाजवंती ने तुरंत आंखों पर बंधे रुमाल को हटा लिया। 2 पल वह आंखों को एडजस्ट करने में लगी रही कि सब कुछ स्पष्ट देख सके। आओ, नीचे आ जाओ, देवराज चौहान ने कार का पीछे वाला दरवाजा खोलते हुए कहा। लाजवंती बच्चे को उठाए कार से बाहर निकली और हैरानी से आसपास का वातावरण देखने लगी। फिर उसकी निगाहें घूमती हुई देवराज चौहान पर जा टिकी। वह कहाँ है? लाजवंती के होठों से निकला। मेरे साथ आओ। इतना कहकर देवराज चौहान फूस वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन और लाजवंती उसके पीछे चल पड़े। उनके करीब पहुंचते ही नटियाल मुस्कुराकर बोला, हम तो समझे थे तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है। नहीं, सब ठीक है। डालचंद कहाँ है? बैंक डकैती का माल कहीं और रखा है। देवराज चौहान का जवाब सुनकर नटियाल सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। यह अलग बात थी कि नटियाल को देवराज चौहान की बात सुनकर कुछ मायूसी ही हुई थी। वह तो सोच रहा था कि डकैती का माल भी फार्म पर ही आ जाएगा, इधर वैन का दरवाजा भी खुलवा लेंगे। जब सारी दौलत इकट्ठी हो जाएगी तो फिर वह उसे हथियाने के लिए कोशिश करेगा, वरना वायदे के मुताबिक तो उसे सिर्फ 50 लाख ही मिलने थे। बाकी के 9 करोड़ तो इन लोगों ने हजम कर जाने थे। नटियाल ने हैरानी से भरी निगाहों से लाजवंती को देखा। यह औरत कौन है? वैन में बंद 2 में से 1 गार्ड की पत्नी, जगमोहन ने जवाब दिया। नटियाल की आंखें चमक उठी। इसका मतलब अब तो दरवाजा खुलकर ही रहेगा, उसकी आवाज में खुशी थी। मतलब तो कुछ देर बाद खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा, जगमोहन ने जवाब दिया। देवराज चौहान ने लाजवंती से कहा, जब तक मैं न कहूँ तुम नहीं बोलोगी। लाजवंती ने सहमतिपूर्ण ढंग से गर्दन हिलाई। देवराज चौहान वैन के करीब पहुंचा और उसे थपथपाकर बोला, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हो? भीतर से उखड़ी आवाज़ आई। मैं देवराज चौहान हूँ, तुम लोगों से बात करने आया हूँ। हमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वैन का दरवाज़ा हम नहीं खोलेंगे। यह दूसरी आवाज़ थी। पागल मत बनो, आखिर कब तक वैन का दरवाज़ा बंद रखोगे? कब तक भीतर रहोगे? कभी तो तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा। फिर अभी हमारी बात क्यों नहीं मान जाते? कान खोलकर सुन लो, हम वैन का दरवाज़ा कभी नहीं खोलेंगे, चाहे भीतर हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इस बात को हम पक्की तरह सोच बैठे हैं कि लूट की दौलत तुम लोगों के हाथ नहीं लगने देंगे। तुम कौन हो, सीताराम या किशनलाल? देवराज चौहान ने पूछा। वैन के भीतर से कोई जवाब नहीं आया। लाजवंती सकते किसी हालत में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने? तुम्हें हमारे नामों से क्या लेना देना? भीतर से तीखा स्वर आया। बहुत कुछ लेना देना है, देवराज चौहान ने एकाएक सख्त स्वर में कहा। जैसे कि मैं सीताराम को समझाना चाहता हूँ कि किशन लाल का तो कोई है नहीं, न कोई आगे न पीछे। अपनी दोनों लड़कियों की शादी करके फारिग हो चुका है, परंतु सीताराम अभी जवान है, घर में बीवी बच्चा है। यह उम्र अभी उसके मरने की नहीं है। सीताराम को यह बात सोचनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो तुम? भीतर से कठोर स्वर सुनाई पड़ा। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपने पर नहीं तो अपनी बीवी बच्चों पर तरस खाओ। खामोशी से वैन का दरवाजा खोलो और बाहर आओ। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ, तुम दोनों को कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि वैन में मौजूद पैसे में से काफी मोटी रकम भी तुम दोनों को दी जाएगी।
तुम्हारे ये लटके झटके हमारे साथ नहीं चलने वाले, भीतर से सख्त स्वर में कहा गया। अपने दिल से यह ख्याल भी निकाल दो कि हम वैन का दरवाजा खोलेंगे, अपने बीवी बच्चों की खातिर भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें मेरे बीवी बच्चों की चिंता क्यों लग गई, भीतर से तीखी आवाज में कहा गया। जाकर अपना काम करो। मुझे तुम्हारे बीवी बच्चों की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय वह मेरे पास खड़े हैं और मेरे ही रहमो करम पर हैं। अब तुम ही बताओ कि उनका मैं क्या करूं? क्या? भीतर से चौंकाहट से भरा स्वर उभरा। बात करना चाहोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। इस बार वैन से आती आवाज बहुत ही तेज और गुस्से से भरी थी। कर लो बात, सच झूठ तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतना कहने के साथ ही देवराज चौहान ने लाजवंती से कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने आदमी को समझा पाती हो या नहीं। अगर वह समझ गया तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो मरेगा। लाजवंती का चेहरा फक पड़ गया। घबराए अंदाज में कांपती टांगों से वह बहन के करीब पहुंची। बच्चे को गोद से नीचे उतार दिया था उसने। सुनो जी, लाजवंती ने थर थराते स्वर में कहा। लाजो, तुम? भीतर से ही सीताराम का चौंकाहट से भरा स्वर आया। तुम यहाँ? मुझे यहाँ भाई साहब लाए हैं। कौन भाई साहब? यही, देवराज चौहान जी। यह, खामोश रहो, यह लोग भाई साहब कहने के लायक नहीं हैं। नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। यह औरों की तरह नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आप बाहर आ जाइए, यह आपको कुछ नहीं कहेंगे। लाजो, पागल हो गई है तू, भीतर से सीताराम क्रोध भरे स्वर में कह उठा। तुम इन लोगों को नहीं जानती। इनका हर अच्छा बुरा पैसे के साथ है। इनकी निगाहों में इंसान की कीमत नहीं। इनके साथ आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। यह तुझे लाए ही इसलिए हैं कि वैन का दरवाजा खुलवा सकें। उसके बाद तो इन्होंने फौरन हमें शूट कर देना है। गोली मार देंगे हमें, जान ले लेंगे हमारी। तुम इन लोगों के बारे में अभी कुछ नहीं जानती। आपको बहुत बड़ी गलती हो रही है पप्पू के बापू, यह लोग बहुत अच्छे हैं। चुप रहो। वैन के भीतर से ही दहाड़ने की आवाज़ आई। बेवकूफ औरत, जिसने भी तुम्हारे साथ दो मीठे बोल बोल लिए वही अच्छा हो गया। अकल तो है नहीं तुम्हारे में, समझदारी से तो तुम्हारा दूर दूर से भी रिश्ता नहीं। आप तो हर समय मुझसे लड़ते ही रहते हैं, लाजवंती ने झल्लाकर कहा। और मैं क्या करूँगा, तुम काम ही ऐसा करती हो। छोड़िए ना सब बातें, आप बाहर आ जाइए, वैन का दरवाजा खोल दीजिए। जैसा यह कहते हैं आप वैसा ही कीजिए, मैं आपको लेने आई हूँ, लाजवंती ने कहा। सरकारी काम में दखल नहीं दो। तुम नहीं जानती कि मैं सब जानती हूँ, अकल तो आप में है नहीं। छोड़ो इस मुई नौकरी को, यह नहीं तो कोई और सही। मुझे तो बस आप ठीक चाहिए, लाजवंती ने मुंह बनाकर कहा। मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? स्वर में झल्लाहट थी। यह कहते हैं हम वैन को आग लगा देंगे। वैन को आग लग गई तो फिर आप ठीक कैसे रहेंगे? लाजवंती का स्वर भर्रा उठा। मेरा कहना मानिए, आप वैन से? बेअक्ल औरत, यह लोग वैन को आग नहीं लगा सकते, सपने में भी नहीं लगा सकते। इन लोगों को पैसा चाहिए जो कि आग लगते ही राख हो जाएगा। तू घर जा, अपना काम कर। 500 बार कहा है कि आदमी के काम में दखल मत दिया कर। मेरे पीछे चला कर, आगे चलने की कोशिश मत किया कर। बड़ी आई भाई साहब की बहन। लाजवंती की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो यह लोग आपको जान से मार देंगे। भगवान के लिए आप वैन का दरवाजा खोल कर बाहर आ जाइए, मुझे आप ठीक चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा, मेरे लिए तो आप हैं तो दुनिया है, नहीं तो कुछ भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है तेरा, यह लोग क्या समझते हैं मैं तेरे कहने से बाहर? पापा, तभी 3 बरस के नन्हे से बच्चे ने कहा। आप कहाँ हैं पापा? तो इसे भी साथ ले आई बेवकूफ, भीतर से सीताराम का क्रोध से भरा स्वर आया। छोटा सा तो है, घर छोड़कर कैसे आती? लाजवंती ने भीगे स्वर में कहा। हे भगवान, इस बेवकूफ बीवी को तूने मेरे ही पल्ले बांधना था, खुद तो मरेगी ही, मुझे भी मरवाएगी। खोटे सिक्के जितनी भी अकल नहीं है इसमें। देवराज चौहान ने मुंह पर उंगली रख कर लाजवंती को खामोश रहने का इशारा किया, फिर खुद वैन की बॉडी थपथपाकर बोला, अब बोलो, मानते हो तुम लोग मेरी बात? एक औरत और एक बच्चे के दम पर बाजी जीतना चाहते हो? स्वर में क्रोध था। तुम भी तो गलत ढंग से वैन में बैठे बाजी जीतने की चेष्टा कर रहे हो, जबकि हम पहले से ही बाजी जीते बैठे हैं, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। मैं इस बात को बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, तुम सिर्फ उसी बात का जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। वैन का दरवाजा खोलकर बाहर आते हो या नहीं,
सोच समझ कर जवाब देना। अगर ना आए तो तुम्हारी बीवी और बच्चा हमारे रहमो करम पर हैं, जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। हम सच कह रहे हैं, दौलत की परवाह किए बिना इस वैन को आग लगा देंगे और साथ में तुम्हारी बीवी और बच्चे को बांध देंगे। हमने सच कहा है और इस सच को अभी अपनी आंखों से देख लोगे। अगले ही पल सीताराम का क्रोध से जला भुना स्वर आया। देखो, जिसे तुम अपना भाई साहब कह रही हो, सुन ली उसकी करतूत? ऐसे इंसान को भाई साहब कहते शर्म नहीं आई थी तुझे, जो तेरे सुहाग को जिंदा जलाने को कह रहा है? लाजवंती का चेहरा फक, बच्चे को उसने अपने सीने से चिपका लिया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जवाब दो हमारी बात का। तभी दूसरे गार्ड यानी कि किशन लाल की आवाज आई। तुम लोग वैन को आग लगाने का हौसला नहीं कर सकते, इसमें 5.5 करोड़ कैश पड़ा है। नोटों के लिए ही तुम लोगों ने यह सब कुछ किया है, फिर उन्हें आग कैसे लगा सकते हो? लगा सकते हैं, देवराज चौहान की आवाज में भेड़िए किसी कुर्राहट थी। यह ठीक है कि सब कुछ हम दौलत प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, परंतु हमें इन 5.5 करोड़ की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि आज सुबह ही हमने उसी बैंक से 4 करोड़ रुपए और लूटे हैं। चाहे तो अपने वायरलेस सेट पर मेरी बात की सत्यता की जांच कर सकते हो। 5.5 करोड़ हाथ से निकल भी गए तो 4 करोड़ तो हमारे पास रहेगा ही। ये राहत वाली बात है हमारे लिए। अब हमें वैन में बंद 5.5 करोड़ के बारे में नहीं सोचना, बल्कि तुम लोगों को अपनी जान के बारे में सोचना है कि जीना है या मरना चाहते हो। अच्छी तरह सोच लो। इसके बाद कई पलों के लिए खामोशी छा गई वहां पर, कोई कुछ न बोला। करीब 2-2.5 मिनट के बाद वैन के भीतर से सीताराम की आवाज आई, मैं बाहर आ रहा हूँ। नटियाल और जगमोहन के चेहरों पर खुशी की तीव्र लहर दौड़ती चली गई। देवराज चौहान की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। आ जाओ, फायर करने की कोशिश मत करना, सीताराम की आवाज पुनः आई। चिंता मत करो, हम बेवजह किसी की जान लेने में यकीन नहीं रखते। वैन से पीछे हट जाओ, कम से कम 20 फीट दूर हो जाओ, आवाज फिर आई। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम वैन से बाहर निकलोगे तो गन को भीतर रखना मत भूलना, खाली हाथ ही बाहर आना। खाली हाथ ही आऊंगा। जगमोहन, देवराज चौहान और मोटा नटियाल वैन से 20 फीट दूर हट गए। 1 मिनट बीत गया, कुछ नहीं हुआ। फिर वैन का पिछला दरवाजा हिलना आरंभ हुआ। अगले ही पल पिछले दरवाजे के दोनों पल्ले खुले, सीताराम बाहर कूदा। दरवाजे के दोनों पल्ले बंद हो गए। भीतर से सिटकनी चढ़ने की आवाज स्पष्ट सुनाई थी। सीताराम तंदुरुस्त बदन का व्यक्ति था, चौड़ी छाती, उठे हुए कंधे, खूबसूरत सख्त चेहरा, लंबा कद। अपने जॉब पर वह बिल्कुल फिट बैठता था। देवराज चौहान का चेहरा एकाएक कठोर होकर लाल सुर्ख हो उठा। तुम हमसे धोखा कर रहे हो सीताराम? मेरे स्वामी, लाजवंती दौड़कर सीताराम से जा लिपटी, तेरे कारण मेरी हिम्मत टूट गई है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने सबका भला चाहा। चुप रह, आई भड़ी भले वाली, वैन में मैं खतरे में नहीं था, अब मैं खतरे में हूँ तेरे कारण। लाजवंती की आंखों से बड़े बड़े आंसू बह निकले। सीताराम ने सख्त निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम किस धोखे की बात कर रहे हो? वैन से तुम अकेले बाहर निकले हो? तो मैंने कब कहा था कि मेरे साथ किशन लाल भी बाहर निकलेगा? बाहर निकलने की बात तो सिर्फ मेरी ही हो रही थी। कहने के साथ ही सीताराम आसपास के माहौल का जायजा लेता जा रहा था कि वह किस जगह पर है, यह जगह कहाँ हो सकती है। बात तो तुम दोनों के बाहर निकलने की हो रही थी। गलत, बात सिर्फ मेरी ही हुई थी, सीताराम ने कमर पर हाथ रखकर कहा। दोनों कई पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। देवराज चौहान समझ गया कि सीताराम इतना सीधा नहीं था जितना कि वह समझ रहा था। कठोर किस्म का सख्त विचारों वाला व्यक्ति है, इसे सीधा करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। किशन लाल को बाहर आने को कहो, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। क्यों? हमें वैन में मौजूद दौलत को बाहर निकालना है। अभी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, सीताराम ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या मतलब? किशन लाल बाहर आएगा, तुम हम दोनों को शूट करके दौलत ले लोगे। जब दौलत हमें आसानी से मिल जाएगी तो हम तुम लोगों को क्यों शूट करेंगे? इसलिए कि हम तुम्हारे कामों में कोई अड़चन नहीं डाले, या फिर ऐसी ही कोई बात को? लगता है तुम्हें अपने बीवी बच्चे की परवाह नहीं है, देवराज चौहान ने क्रूर स्वर में कहा और जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। अभी भी वक्त है, सोच लो। सीताराम की आंखों में दरिंदगी के भाव आ गए। मेरे बीवी बच्चे को मारने से भी
तुम्हें दौलत नहीं मिलने वाली। सीताराम ने एक एक शब्द चबाकर कहा, अलबत्ता रहने में तुम्हें शायद दौलत मिल भी जाए। मैं तुम लोगों के साथ रहकर देखूंगा कि वास्तव में तुम विश्वास के काबिल हो या नहीं। अगर तुम लोग मुझे भरोसे के काबिल लगे तो किशन लाल से कहकर मैं वैन का दरवाजा खुलवा दूंगा। देवराज चौहान होठ भींचे कई पलों तक उसकी आंखों में देखता रहा। ठीक है, देवराज चौहान के चेहरे पर वहशीपन के भाव आ गए। तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी बीवी और बच्चा हर समय कॉटेज में हमारी कैद में रहेगा। जहाँ भी तुमने हमसे किसी प्रकार की चालाकी की, वहीं हम तुम्हारी बीवी बच्चे और तुम्हें शूट कर देंगे। आज के बाद तुम अपने बीवी बच्चे से तभी मिल सकोगे जब हमारे हाथ दौलत लग जाएगी, नहीं तो कभी भी नहीं मिल सकोगे। सीताराम ने चुनौती भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर खा जाने वाली निगाहों से अपनी पत्नी को देखकर कह उठा, देख ली ना अपने भाई साहब के करतूत, बड़ी आई थी भाई साहब वाली, तुझे यहाँ आने को किसने कहा था? बेअक्ल, सारी उम्र तुझे समझाते समझाते मर जाऊंगा, लेकिन तेरे को अक्ल नहीं आने वाली। लाजवंती पुनः आंसू बहा बहा कर रोने लगी। जगमोहन, देवराज चौहान ने सीताराम को घूरते हुए सख्त स्वर में कहा, माँ बेटे को यहाँ से ले जाओ और कॉटेज के भीतर किसी कमरे में बंद कर दो, और इस सीताराम पर गिद्ध जैसी निगाह रखो, यह मुझे काफी तेज इंसान लगता है। जवाब में सीताराम के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। जहाँ भी सीताराम किसी प्रकार की चालाकी करे, वहीं इसे और इसकी बीवी बच्चे को शूट कर दो। इस काम में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। और तुम भी सुन लो सीताराम, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय दूंगा। परसों इस वक्त तक तुमने वैन का दरवाजा भीतर से हर हाल में खुलवाना ही है। अगर नहीं खुलवाया तो तब भी तुम लोगों की मौत निश्चित है। सीताराम ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। तुम अच्छी तरह हमें परसों इस समय तक देख लो। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर खतरनाक लहजे में गुर्राकर कह उठा। सीताराम फिर भी कुछ ना बोला। नीना पाटेकर टैक्सी से उतरी। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। सामने ही राजा राम का अड्डा था। वह मन ही मन इस बात का फैसला करके ही आई थी कि राजा राम को समझाकर डालचंद की माँ बहन को उसकी कैद से निकाल ले जाएगी। राजा राम उसका पुराना जानकार था, बहुत पहले से उसे जानता था। उसे विश्वास था कि वह राजा राम को लाइन पर ले आएगी। वह आगे बढ़ी, राजा राम के अड्डे में प्रवेश कर गई। राजा राम तक पहुंचने में उसे कुछ दिक्कत अवश्य हुई, परंतु 10 मिनट पश्चात वह राजा राम के सामने थी। राजा राम उसे देखकर मुस्कुराया, खुलकर मुस्कुराया। पाटेकर मेम साहिबा, नमस्कार, राजा राम हंसकर बोला। कैसी हो? बहुत मुद्दत हो गई तुमसे मिले। जब धंधे में थी तो अक्सर मुलाकात हो ही जाया करती थी। सुना है कोई हरामजादा तुम्हारा सारा माल ले उड़ा, वह हरामी हाथ में आया कि नहीं? अभी तो नहीं आया, पाटेकर ने शांत भाव में जवाब दिया। आएगा भी नहीं साला, राजा राम हंसा। साला तुम्हारा माल लेकर ऐसा उड़ा होगा कि देश के सबसे आखिरी शहर में ही जाकर रुका होगा। मैं नहीं समझता कभी वह वापस आएगा। मुझे मालूम है वह जो भी है मेरे हाथ नहीं चढ़ने वाला, नीना पाटेकर ने सिर हिलाकर कहा। वैसे भी अब मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। ठीक किया, जो चीज बस में ना हो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास किसी खास काम के सिलसिले में आई हूँ राजा राम, नीना पाटेकर बोली। राजा राम ने पास खड़े भीमराव से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? पाटेकर साहिबा के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। भीमराव फौरन बाहर निकल गया। राजा राम ने सिगरेट सुलगा कर नीना पाटेकर को गहरी निगाहों से देखा। हम कब से नहीं मिले पाटेकर साहिबा, साल से ऊपर हो गया होगा। हाँ, 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, नीना पाटेकर ने शांत भाव में कहा। 1.5 साल हमें मिले हो गया, हम में काम धंधे का कोई सिलसिला बाकी नहीं बचा। फिर भी आज तुम मिली हो तो कह रही हो कि मेरे पास किसी खास काम के सिलसिले में आई हो। जरूरी नहीं कि हम में हर काम धंधे से ही संबंधित हो, राजा राम ने सिर हिलाया, बेहद शांत भाव से सिर हिलाकर बोला। बात तो ठीक है तुम्हारी, खैर कहो कौन सा खास काम तुम्हें हमसे पड़ गया? नीना पाटेकर क्षण भर खामोश रही, फिर गंभीर स्वर में कह उठी, डालचंद को जानते हो ना तुम? कौन? राजा राम ने असमंजसता भरी निगाहों से नीना पाटेकर को देखा। डालचंद, जो शंकर रोड पर रहता है। वह जो कार रेसर है? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। राजा राम की आंखें सिकुड़ गई। क्या हुआ है उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, नीना पाटेकर बोली।
मैं उसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। खुलकर कहो, उसकी माँ बहन तुम्हारे कब्जे में है। उन्हें छोड़ दो, मैं उन्हें ले जाने आई हूँ राजा राम। राजा राम एकाएक खामोश हो गया। चेहरे पर गहरी सोच के भाव उभरते चले गए। उसकी आंखों को ही देखकर कहा जा सकता था कि वह एक ही समय में बहुत कुछ सोच रहा है। रह रहकर वह नीना पाटेकर पर भी निगाह मार लेता था। जब उसकी खामोशी लंबी होने लगी तो नीना पाटेकर ने कहा, इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है राजा राम? दो पल राजा राम सिर हिलाता रहा, फिर सिगरेट सुलगाकर बोला, इसमें बहुत सोचने वाली बात है। वैसे डालचंद से तेरा क्या वास्ता? हम दोनों शादी करने वाले हैं। शादी? राजा राम हंस पड़ा। तुम जैसी खतरनाक शय और शादी? कमाल है। कोई कमाल नहीं है, मैं जो भी हूँ लड़की भी हूँ, नीना ने तीखे स्वर में कहा। कब बना शादी का प्रोग्राम? 10 दिन ही हुए हैं। राजा राम मुस्कुराया। तीखी मुस्कान सहित उसने पाटेकर की आंखों में झांका। तो आजकल क्या कर रही है? तेरे को उससे क्या मतलब कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ? डालचंद से तो मतलब है ना, उसी का बता दे कि वह इन दिनों क्या कर रहा है। तेरे को इस बात से क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है, राजा राम ने एकाएक कड़वे स्वर में कहा। डालचंद जो कर रहा है वही तू कर रही है, जो तू कर रही है वही डालचंद कर रहा है, यानी कि इन दिनों तुम दोनों एक ही काम में लगे हो। वहीं पर तेरी मुलाकात डालचंद से हुई और शादी का प्रोग्राम बन गया, वरना डालचंद जैसे इंसान के साथ तेरा दूर दूर तक भी वास्ता नहीं होना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा? चलो मान लिया कि तू ठीक कहता है, नीना पाटेकर बोली। अब उसकी माँ बहन को? एक मिनट, राजा राम हाथ उठाकर बोला, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। मैं यह जानना चाहता हूँ डालचंद इन दिनों क्या कर रहा है। इस बात से तेरा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वास्ता? राजा राम शब्दों को चबाकर बोला, कभी कभी पैदा हो जाता है, मेरी बात का जवाब दो। नीना पाटेकर राजा राम को देखती रही, बोली कुछ भी नहीं। अब तुम कैसे मुंह खोलोगी? खैर मैं ही बता देता हूँ। मैंने डालचंद को बैंक वैन ड्राइव करते देखा, पीछे पुलिस थी और वह आगे। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? नीना पाटेकर ने बेचैनी से पहलू बदला। और आज सुबह मैंने उसे सफ़ेद रंग की वैन ड्राइव करते देखा, सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी वाली वैन। बहुत तेज हवा की माफिक दौड़ा रहा था वैन को और बीच में 4 करोड़ रुपया पड़ा था। पाटेकर ने पुनः पहलू बदला और उसे कुछ न कहते पाकर राजा राम बोला, कल की बैंक वैन में 5.5 करोड़ था। पाटेकर के चेहरे पर व्याकुलता की छाप गहरी हो गई। कुल मिलाकर 9.5 करोड़ की दौलत बनती है पाटेकर साहिबा, जो कि काफ़ी बड़ी दौलत है। वैसे भी देवराज चौहान के पास काफ़ी दौलत है, बहुत डकैतियां मारी हैं उसने। देवराज चौहान का नाम सुनते ही पाटेकर ने चौंक कर राजा राम को देखा, तो तुम सब कुछ जानते हो कि हम लोगों ने क्या किया है? हाँ, कल तुम लोगों ने 5.5 करोड़ के नोटों से भरी बैंक वैन को उड़ाया और आज सुबह बैंक में तुम लोगों ने 4 करोड़ रुपए की सफल बैंक डकैती की। कर भी ली तो इसमें तेरा क्या चला गया राजा राम? पाटेकर ने सर्द लहजे से कहा। मेरा तो कुछ नहीं गया, राजा राम हंसा। लेकिन खुरक होती है कि तुम लोगों ने 24 घंटों में 9.5 करोड़ पर हाथ मार लिया, जो कि काफ़ी मोटी रकम है, ठीक है ना पाटेकर साहिबा? वैसे इस काम में तुम्हें कितना मिलेगा? 1 करोड़ से ऊपर। वेरी गुड, सबके हिस्से बराबर ही होंगे। हाँ, सुना है आज बैंक डकैती में तुम लोगों का एक साथी मारा गया, उसके हिस्से का क्या होगा? बाकी साथियों में बट जाएगा, यानी कि जो मरता जाएगा उसका हिस्सा बाकियों में बढ़ता चला जाएगा। पाटेकर ने सहमति से सिर हिलाया। फिर ठीक है, डकैती का माल कहाँ पड़ा है पाटेकर साहिबा? यह बात तो मैं तुझे कभी भी नहीं बता सकती। मुझे मालूम है इस बारे में तुम मुंह नहीं खोलेगी, यह भी नहीं बताएगी कि डकैती में और कौन कौन लोग शामिल हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं? राजा राम, पाटेकर ने एकाएक सख्त स्वर में कहा, तू मुझे खामखा की बातों में उलझा रहा है, जबकि मैं तेरे पास डालचंद की माँ बहन के लिए आई हूँ। छोड़ दो उन्हें। आई तो तुम अपनी सास ननंद को छुड़ाने हो। अरे वाह, कितनी अजीब बात है, कोई सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा कि पाटेकर साहिबा की सास और ननंद पैदा हो गई? पाटेकर साहिबा ने हथियार रख कर चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया है, अब मांग में सिंदूर भी। राजा राम, नीना पाटेकर एकाएक गुर्रा उठी। अगले ही पल राजा राम के हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर चमक उठा।
जिसका रुख पाटेकर की तरफ था। पाटेकर ठगी सी बैठी रह गई। पाटेकर साहिबा, यह वह खिलौना है जिससे तुम बहुत सालों तक खेली हो। इससे तो मैं अब भी खेलती हूँ, पाटेकर ने सर्द लहजे से कहा। अभी भी मेरी जेब में मौजूद है, लेकिन अब तू उससे नहीं खेल सकेगी। क्यों? क्योंकि तू मरने जा रही है। मैं तुझे शूट करने जा रहा हूँ अभी के अभी। मुझे मारने की वजह? दुश्मनी का कारण? पाटेकर के होठ भींच चुके थे। कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं। दरअसल इसमें मेरा ही स्वार्थ है। डालचंद की माँ बहन मेरे कब्जे में है। 9.5 करोड़ में वह भी बराबर का हिस्सेदार है। डकैती में एक भाग मारा गया, डालचंद का हिस्सा बढ़ेगा। तेरे को इस बात से क्या फायदा? कि बहुत फायदा है, राजा नाम ने कहर भरे स्वर में कहा। डालचंद की माँ बहन मेरे कब्जे में है। हिस्सा लेने के बाद उसने मेरे ही दरवाजे पर आना है। जितना ज्यादा उसके पास हिस्सा होगा, उससे उतना ही ज्यादा मैं वसूल कर सकूंगा। समझी ना मेरी बात? तू खामखा ही बीच में आ फंसी। नीना पाटेकर के चेहरे पर सर्द भाव उभरे। निगाहें साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर पर जा टिकी। होठ भींच गए थे, चेहरा पत्थर के समान सख्त हो उठा था। तभी राजा राम के हाथ में दबी रिवॉल्वर से दो खामोश शोले निकले और नीना पाटेकर की छाती में प्रवेश कर गए। नीना पाटेकर का शरीर उछला और कुर्सी से नीचे जा गिरा। राजा राम के चेहरे पर मौत के भाव छाए हुए थे। उसी समय भीम राव ने भीतर प्रवेश किया, हाथ में चाय की ट्रे थाम रखी थी। परंतु कमरे का द्वार खोलते ही वह ठिटक गया। आंखों में अजीब से भाव उभरे। ले आ चाय, मैं पी लूंगा। इसकी किस्मत में यह चाय पीना नहीं था, राजा राम ठंडे स्वर में बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।